नई आबकारी नीति में घोटाले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी के बाद अब भाजपा के नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज यानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और पुराना वीडियो ट्वीट कर उन पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो को शेयर करते हुए शायराना अंदाज में लिखा है, माना कि धीरे धीरे तो मौसम भी बदलते रहते हैं, आपकी रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान है साहब। उन्होंने आगे लिखा, सीबीआई छापों के बारे में मोदी जी इस बयान को जरूर सुने, अगर नहीं सुना तो आप एक बहुत बड़े सच को जानने से वंचित रह जाएंगे। बता दें कि ये वीडियो उस दौरान का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस पुराने वीडियो में सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर अपनी बात कहते हुए देखा जा रहे हैं। ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आंकड़ों को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। सत्य को सत्य के रूप में लोगों के सामने लाना चाहिए, झूठ फैला करके गुजरात को तबाह करने के कारनामे बंद होने चाहिए। और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा। सीबीआई राजनीतिक कामों पर जुटी हुई है,